सर्च करते हैं बी एड लेवल की हो, एम फिल की हो, पी एच डी की हो, हम अपना एक टॉपिक डिसाइड करते हैं. ऐसे ही टॉपिक डिसाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्लोर करना होता है. अगर तुम क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो हम कोई क्वेश्चनियर देख लेंगे इंटरनेशनली जो यूज़ हुआ होगा, उसको अडाप्ट कर सकते हैं. अडाप्ट करने का मतलब होता है अपने मुताबिक ढाल लेना. ऐसे ही अब जिस तरह से हम सारे क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे ही तो हम लोगों के परसेप्शंस को, एक्सपीरियंसेस को, चैलेंजेस को, हर वो चीज़ जिन्हें उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जिसके बारे में सोचते हैं, उन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे किससे, इंटरव्यू गाइड के थ्रू. यानी हम एक सवालनामा बनाएंगे और वो सवालनामा ऐसा होगा जिसके अंदर हम उन्हें ऑप्शंस नहीं देंगे, हम उन्हें खुलकर बताने का मौका देंगे. ऐसे ही अच्छा रिसर्च बेटा असाइनमेंट की तरह नहीं होती. इसके अंदर आप वैसे कॉपी पेस्टिंग नहीं कर सकते. इसके अंदर 5 चैप्टर्स होते हैं और वो 5 चैप्टर्स मिनिमम 5 चैप्टर्स होते हैं. वो कैसे होते हैं, बी एड भी चाहे आपकी चैप्टर थीसिस है, लेकिन आपको 5 चैप्टर्स राइटअप करने पड़ेंगे. फर्स्ट चैप्टर हमारा होता है जिसमें हम बताते हैं कि हमारी रिसर्च में क्या कुछ होता है, ठीक है, जिसे हम प्रपोजल करते हैं. प्रपोज करने का मतलब होता है हम क्या फ्यूचर में करने जा रहे हैं, हम उसको प्लान आउट कर लेते हैं रिटन फॉर्म में, अगले को एक शक्ल बनाकर दे देते. जैसे घर बनाने से पहले नक्शा बनाते हैं ना, इसी तरह से हम रिसर्च को प्रॉपरली कंडक्ट करने से पहले उसका प्रपोजल बनाते हैं, ठीक. ओके अच्छा जी, प्रपोजल में क्या होता है, हमारा इंट्रोडक्शन आ जाता है, ठीक, कि उस टॉपिक से हम अपन जो रीडर्स होंगे, जो हमारा थीसिस चेक करेंगे, जो कल को लोग हमारा थीसिस खोल कर पढ़ेंगे, उन्हें हम अपने टॉपिक से इंट्रोड्यूस करते हैं. इंट्रोड्यूस करना क्या होता है, हो सकता है जिसने आपका थीसिस खोला उसके उसको उसके बारे में कुछ भी ना आइडिया. ऐसे ही तो आपका जो एक डेट पहला पेज होता है वो बताता है रीडर को, देखने वाले को, कि आप किस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में दुनिया में कहाँ कहाँ रिसर्च हो चुकी है और वो बेसिकली कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक. फिर उसके बाद हमारी आ जाती है उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसा पैराग्राफ या एक से दो ऐसी लाइन्स जिसके अंदर जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम प्रॉब्लमटाइज करके दिखा सकें. यानी उसके अंदर वाजे हो सके कि उस स्टडी को करने की वजह क्या है, हम अपने कॉन्टेक्स्ट में वो क्यों कर रहे हैं. ये याद रखें, ऐसा नहीं होगा जब हम रिसर्च करें वो दुनिया में कभी भी किसी ने ना की हो. रिसर्च का मतलब होता है हर चीज़ को किसी नए स्पेक्ट्रम, किसी नए एंगल, किसी नई तरह से देखना, ठीक हो गया. ओके अब आ जाते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करनी है. उसके बाद आ जाता है हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस. अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्चर हैं तो हम रिसर्च क्वेश्चंस बनाएंगे, अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्चर हैं तो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे. रिसर्च में पढ़ा था ये, ठीक है. ओके फिर उसके बाद आ जाता है हमारा ब्रीफ सा लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू बहुत ज़्यादा बड़ा, अगर हम नहीं भी बनाते तो हम फर्स्ट चैप्टर में तकरीबन 1000 वर्ड्स का लिटरेचर रिव्यू जरूर डालते हैं. लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है हमसे पहले जिन लोगों ने इस मौजू पर काम किया है उन्होंने क्या क्या कुछ इसमें क्या फाइंडिंग्स थी, उन्हें क्या समझ आया है, ठीक है. लिटरेचर रिव्यू में हम जिन लोगों ने उसे स्पेसिफिक फिनोमेना को आइडेंटिफाई किया होता है उसके बारे में बताते हैं, उस फिनोमेना के डिफरेंट फैक्टर्स बताते हैं और लोगों के क्या रिजल्ट्स आए थे वो बताते हैं, ठीक. उसके बाद आ जाती है मेथोडोलॉजी. मेथोडोलॉजी का मतलब होता है वो तरीका जिसे हम अडॉप्ट करके अपनी रिसर्च कंडक्ट करें, ठीक. मेथोडोलॉजी में जो हेडिंग्स आ जाती है उसमें आ जाता है क्वालिटेटिव के केस में या क्वांटिटेटिव पॉपुलेशन स्लैश रिसर्च साइट, यानी किन लोगों पे हम काम कर रहे हैं, ठीक, और वो कहाँ के. जैसे कि फियर ऑफ फेलियर पे काम कर रहे हैं आप, ठीक है, और फियर ऑफ फेलियर में आप किसका फेयर देखना चाह रही हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का, ठीक. तो आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, ऑल द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ लाहौर आपकी पॉपुलेशन, ऐसे ही. फिर उसके अंदर बाद में फिर उसके आधार पर सैंपल, सैंपल में हम स्पेसिफाई करेंगे कि हम किस यूनिवर्सिटी किस इंस्टीट्यूशन के कितने बच्चे ले रहे हैं, ऐसे ही. फिर उसके आधार हम बताएंगे उस जो हमने सैंपल दिया उसके लिए हमने टेक्निक क्या अडॉप्ट की, सैम्पलिंग की भी टेक्निक होती है. जैसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो हम स्नोबॉल सैम्पलिंग भी कर सकते हैं, हमने एक बंदे से इंटरव्यू लिया उसने अगले का बता दिया, उसने उससे अगले ने अगले का बता दिया, ऐसे ही. पर्पसिव सैम्पलिंग भी कर सकते हैं. पर्पसिव सैम्पलिंग होती है वो लोग जिन्होंने फेयर फेलियर के को एक्सपीरियंस किया, ठीक है, वो हमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या रीज़न है सब, ठीक है. अच्छा पर्पसिव सैम्पलिंग होगी, स्नोबॉल सैम्पलिंग होगी, ठीक है. कुछ लोग कन्वीनियंट सैम्पलिंग भी यूज़ करते हैं, ठीक. अगर वो क्वांटिटेटिव है तो फिर सैम्पलिंग की टेक्निक
बदल जाएंगे, उसके अंदर रैंडम स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर वो आपने पढ़ी होगी, वैसे वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में मोस्टली होती है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला स्टेप जो होगा हमारा, हम डाटा कलेक्शन करेंगे। तो हम बताएंगे कि हमने डाटा कैसे कलेक्ट किया, कैसे किया। आप लोग सारे क्वेश्चन नहीं फिल कर रहे, आप लोग क्या करें, इंटरव्यूज करेंगे। इंटरव्यू करने के लिए आपका उस बंदे से इन पर्सन मिलना, उससे बैठ के सवाल करना, उसकी रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है, सही है? या मैक्सिमम हम ये कर सकते हैं कि हम टेलीफोनिक इंटरव्यू कर लें और टेलीफोन कॉल उसकी रिकॉर्ड कर लें अगर हम वहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक। और जब हमने रिकॉर्डिंग करनी है तो हमने उस बंदे को पहले बताना है कि हम आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसकी कंसेंट से करना है, उसको बताना है कि आपकी रिसर्च का पर्पस क्या है, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगली आ जाएगी हमारा डाटा एनालिसिस टेक्निक। डाटा एनालिसिस टेक्निक्स में क्या बहुत सारी हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में भी, जैसे क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस, जो हमारे पास इंटरव्यूज़ आए हैं उनको हम रीड आउट करके ये देखते हैं कि 15 में से 7 लोगों ने क्या रीज़न बताया है, 3 लोगों ने क्या बताया, 4 ने क्या बताया, ऐसे ही। लेकिन हम उसके अंदर नंबर मेंशन नहीं करेंगे, हम उसके अंदर मेंशन करेंगे मेजॉरिटी, सम, फ्यू, ठीक है, ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट, ऐसी टर्म्स यूज करेंगे। क्वान्टिटेटिव रिसर्च में हम नंबर बताते हैं, हम ये बताते हैं 15 में से 10 ने ये कहा है, ठीक है, और उसके अंदर हम मेजॉरिटी को टारगेट करते हैं, हम माइनॉरिटी को टारगेट नहीं करते। क्वालिटेटिव रिसर्च में किसी एक बच्चे ने भी एक मुख्तलिफ रीज़न दे दिए तो हम उस एक मुख्तलिफ रीज़न को ज़रूर मेंशन करेंगे, क्योंकि एक बंदा भी मैटर करता है, ठीक। अच्छा, फिर इस क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस है, फिर हमारा थीमेटिक एनालिसिस है, यानी हम रीडिंग करके बाद में इंटरव्यूज को देखते हैं कि क्या चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, थीम्स इवॉल्व करते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कितने लोग इस चीज़ को कह रहे हैं, ठीक। और तीसरा होता है इंटरप्रेटिव फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस, वो फिनोमेनोलॉजिकल स्टडीज में होता है, जनरल क्वालिटेटिव स्टडीज में नहीं होता है। ये जब हम ये लिख लेंगे तो उसके बाद हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा। बेटा, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू एंड सेकेंड चैप्टर जिसका नाम ही लिटरेचर रिव्यू होता है, ये सारी वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर जब हम कोई बात करते हैं तो हम उसके साथ साइटेशन देते हैं, यानी हम हवा में बात नहीं करते। अगर हम मेंशन कर रहे हैं कि फेयर ऑफ इंडिया जो है वो स्टूडेंट की एकेडमिक लाइफ का हिस्सा है, ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फेयर ऑफ इंडिया क्या होता है। ये बहुत सी इंटरनेशनल बुक्स में डिफाइन हुआ होगा, इंटरनेशनल डिक्शनरीज में डिफाइन होगा, वहाँ से हम उसको उठाकर री राइट करते हैं। रिसर्च में हम कभी भी चीज़ें कॉपी पेस्ट नहीं करते, हम री राइट करते हैं, ठीक। अच्छा, उसके अंदर हमने क्या किया, डेफिनेशन दी, उसके बाद लैब से ग्रीन फूड्स डिक्शनरी ने ये बात कही है कि जिस ऑथर ने कही होगी, या हम उस कॉमा ईयर और ब्रैकेट क्लोज करके बुक शॉप करेंगे। तो हम जो टेक्स्ट के अंदर रेफरेंसेस देते हैं उनको कहते हैं इन टेक्स्ट रेफरेंसेस। क्या कहते हैं? इन टेक्स्ट रेफरेंसेस। अब हमने जो भी बात करनी है, कोई डेफिनेशन देनी है, किसी रिसर्च को हमने पढ़ा है, हमने उसको बताना है कि लेट्स से कनाडा में एक रिसर्च हुई और वो कहती है कि सोशल सिस्टम में बच्चों को फेयर ऑफ फेलियर इसलिए होता है कि प्रेशर ऑफ लर्निंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 4 महीने में 6 कोर्सेज पढ़ने हैं और सारों टीचर्स ने अपनी अपनी स्पीड से पढ़ाना है और सब ने टास्क भी करा है। अब ये आपने कनाडा की स्टडी पढ़ी और वो उन्होंने की है 2021 में, तो आपने वो स्टडी को जब एक्सप्लेन कर देना है कि इस तरह से कनाडा में ये रिजल्ट्स आए हैं, तो आप साथ ब्रैकेट खोल के लिखेंगे जॉन्स कॉमा 2021 ब्रैकेट क्लोज। ये क्या था, ये हमारी इन टेक्स्ट साइटेशन थी। अब जिस शख्स को, जिस जिस रिसर्च बुक को, जिस जिस डॉक्यूमेंट को, जिस जिस आर्टिकल को हम साइट कर रहे हैं, इन टेक्स्ट साइटेशन कर रहे हैं, एक अलग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में हम उसकी साइटेशन बनाकर पेस्ट कर देंगे। गूगल स्कॉलर से भी हम साइटेशन बना सकते हैं, जो बहुत आसान है, एंड नोट है, मेडले है, बहुत सारे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। आज मैं आपको गूगल स्कॉलर का बताऊंगी, क्योंकि आपके लेवल पे आई थिंक गूगल स्कॉलर वुड वर्क, ठीक है, कि आपने अपने टॉपिक पे जब आपने साइटेशन इन टेक्स्ट तो आपने देके दे दी। अच्छा, दूसरी बात याद रखें कि कभी भी रिसर्च में ऑथर का फर्स्ट नेम नहीं आता, हमेशा उसका लास्ट नेम आता। यानी लेट्स से अगर मेरा आर्टिकल है तो डॉक्टर आयशा सलीम की जगह आएगा सलीम, ठीक है, मेरा फर्स्ट नेम जो है
वो एंड में जो रेफरेंस लिस्ट बनेगी वो वहाँ पर सलीम कॉमा ए फुल स्टॉप 2021 ठीक, और आगे जो भी आर्टिकल का नाम होगा, जर्नल का नाम होगा, जर्नल का एडिशन होगा, ईयरली एडिशन जो होगा वो ब्रैकेट के बाहर होगा, और अगर एक साल में चार उनके आते हैं एडिशन, चार दफ़ा उनका जर्नल छपता 3 महीने बाद, तो वो आप ब्रैकेट खोल कर उसके अंदर मैंशन कर देंगे 3, और ब्रैकेट के बाद आपने क्या करना है पेज नंबर से। दिस इज हाउ आपके जो एंड के रेफरेंसेज हैं वो बनेंगे। आ रही बात समझ? अब इसको अगर हम गूगल स्कॉलर पर देखें, आप सबकी तरफ मैं इसको कर देती हूँ स्क्रीन को, और फिर मैं आपको ये सिखाती हूँ कि हम कैसे इसको करें। अच्छा, लेट्स से हम लिखते हैं जो चीज़ें होंगी वो राइट्स, पता है जब आपकी जनरेशन चेंज आता है तो मुख्तलिफ लोगों के व्यूज होते हैं। ठीक, ठीक है। अब ये पहला आर्टिकल है केस ऑफ ईरान, ऐसे ही evaluation of factors contributing to reasons of failure, ऐसे ही। अच्छा जी, अब इसके अंदर ऑप्शन एक तो अगर तो पीडीएफ साथ आ रहा था, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही होती है साइड बटन, ये खुल गए। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने दिया होगा एमएलए एपीए, क्योंकि हम एपीए मैनुअल को फॉलो करते हैं तो हम क्या करेंगे एपीए मैनुअल वाले को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये लेट से हमने उसको कॉपी कर लिया ऐसे ही, और हम इसको अच्छा चलिए हम इसी के बारे में यानी हमारा पूरा रेफरेंस पेस्ट हो गया है ऐसे ही। जब हमने किसी भी चीज़ को लिखा, साइट किया किसी बंदे की बात को, तो हमने साथ साथ रेफरेंस लिस्ट अपनी बनाते जाना। हमने अपना जब रिसर्च स्टार्ट करनी तो एक रिसर्च का फोल्डर बना लिया, जिसके अंदर आर्टिकल्स का एक फोल्डर बना दो, और अलग से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 की अलग फाइल्स बना लेंगे, और साथ एक रेफरेंस लिस्ट की स्टार्टिंग में फाइल बना देंगे, ताकि जो जो चीज़ हम साइट करें वो हमारे पास आती जाए। ठीक हो गया। इस तरह से एंड में ये नहीं होगा कि हमने जो रेफरेंस दिए हैं बाद में हमें तलाश करने पड़े, और अटेंड ये होता है कि आपको भूल जाता है कि आपने किस कहाँ से निकाला था रेफरेंस। ठीक, क्योंकि ये लिस्ट हमने एंड में अपने थीसिस में लगानी है। आ रही है बात समझ? किसी डिक्शनरी में अवेलेबल है, हमें पीडीएफ में पूरी पूरी डिक्शनरीज मिल जाती है, एकेडमिक टर्म्स की डिक्शनरीज होती है। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, वो हमने उनमें से देख कर उसको रीराइट कर दिया कि उन्होंने उसमें क्या डिफाइन किया होगा एकेडमिक फेलियर। हो सकता है उन्होंने डिफाइन किया हो एकेडमिक फेलियर इज अ फेलियर विच अ स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी, जब वो पढ़ा होता है तब वो एक्सपीरियंस करता है। ऐसे हमने इसको लिख दिया, साथ हमने ब्रैकेट में लिख दिया ग्रीन कॉमा 2011 ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप। इसके बाद हम एक दो और डेफिनेशंस दे देंगे। हमारा पहला पैराग्राफ जो होगा, जितनी भी टर्म्स हमारी हेडिंग में यूज हुई है, जो हमारा थीसिस का टाइटल था उसमें जो जो टर्म्स यूज हुई हैं उनको हमने डिफाइन कर दिया।
अब एकेडमिक के लिए हमने पहले बताना है कि स्टूडेंट्स लेट्स से स्टार्ट करें अपना इंट्रोडक्शन. स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस फेलियर इन देयर एकेडमिक लाइफ, पर्टिकुलरली एट हायर एजुकेशन लेवल व्हेन दे स्टडी इन सेमेस्टर सिस्टम. एज एकेडमिक फेलियर इज डेफिनेशन देके हमने साथ रेफरेंस दे दिया. सिमिलरली अनदर ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड एकेडमिक फेलियर एज दिस एंड दिस. हो गया, हमने दो या तीन ऑथर्स के जरिए बता दिया कि एकेडमिक फेलियर और स्टूडेंट की ये सारे एक्सपीरियंस क्या होता है. ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ लग से 150 वर्ड्स का होगा, लेकिन हमारे टॉपिक से रीडर को इंट्रोड्यूस करो. सेकेंड पैराग्राफ, हमने आर्टिकल्स पढ़े और हमने उसके अंदर ये आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या रीजन्स हैं. जो पहले स्टडीज हुई, जिस तरह से पहली स्टडी आपकी ईरान की आ गई थी, ऐसे तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे और उसके अंदर ये मेंशन करेंगे अराउंड द वर्ल्ड स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड ऑन द रीजन्स ऑफ फेलियर स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन देयर एकेडमिक लाइफ. एज इन तुर्की इट वॉज फाउंड दैट स्टूडेंट एक्सपीरियंस फेलियर इन सेमेस्टर सिस्टम बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ऑफ लर्निंग एंड मैनी ऑफ देम आर अनएबल टू कोप अप विद दिस प्रेशर. ठीक है, ब्रैकेट में विस्मान एंड का साइन अगर एक से ज्यादा ऑथर हुए एंड सुमन कॉमा 29 ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप. हम जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो उस आर्टिकल के ऊपर ही हमें मेंशन होता है कब पब्लिश हुआ है. ठीक है, ऑथर कौन है, आर्टिकल का टाइटल क्या है, हमें और जर्नल का नाम क्या, जर्नल का एडिशन कौन सा, पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक छापे. अगर हमें ए पी एस स्कॉलर से इसका बना बनाया रेफरेंस नहीं मिलता तो हम खुद भी रेफरेंस बना सकते हैं. ठीक है, और जो हमने रेफरेंस वैसे रेफरेंस लिस्ट में डाला है वहाँ से हम देखकर अपनी इंटेक्स साइटेशन बना लेंगे. इंटेक्स साइटेशन में सिर्फ क्या आता है, ऑथर्स के सेकेंड नेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उसके अलावा कोई भी डेट नहीं आती. ना ये आता है किस मुल्क में, ना ये आता है किस जर्नल में, ना ये आता है कि आर्टिकल का टाइटल क्या. समझ आ गई बात. अच्छा जी, अब सेकंड पैराग्राफ में हमने इससे पहले जितनी स्टडीज हुई हैं इस टॉपिक पे और उन स्टडीज ने कौन कौन से रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं वो हम बताएंगे. और साथ साथ हम याद रखना कि ज़रूरी है कि हम उन कंट्रीज़ को मेंशन करें ताकि रीडर को ये पता चले कि किस मुल्क में इसको किस तरह से एक्सप्लोर किया जाए. ठीक है, ओके. इसके बाद जब हम ये कर लेंगे ये डिटेल पैराग्राफ होगा, ज़्यादा एलैबोरेटिव होगा, क्योंकि अगर हम 10 स्टडीज को भी रेफर करते हैं तो हर स्टडी के बारे में वो किस मुल्क में हुई है, किस लेवल के स्टूडेंट्स को हुई है, किस किस डिग्री के बच्चों पे हुआ है और उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, ये दो या तीन लाइनों में तो लिखा जाएगा ऐसे ही. तो ये हमारा जो पैराग्राफ होगा वो मिनिमम 300 वर्ड्स का बन जाता है. अगर हम रीजन्स हमारे पास बहुत सारे आ गए तो हम उसको दो पैराग्राफ में भी डिवाइड करके लिख सकते हैं. बात समझ आ रही है, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं? कन्फ्यूजन, ओके. आ जाते हैं हम थर्ड पैराग्राफ में, उसके अंदर हम बताते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू बेसिकली, मैं क्या करने जा रही हूँ एज अ रिसर्चर. याद रखें रिसर्च में कभी यूजुअली हम रिकमेंड नहीं करते कि आप अपने आप को आए और नहीं करते, तो हम ये लिखते हैं द रिसर्चर वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द रीजन्स ऑफ फेलियर फेस्ड बाय यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान. ऑल्दो द स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड अराउंड द वर्ल्ड टू आइडेंटिफाई द रीजन, but this is so essential to explore these reasons in the context of Pakistan since the academic, comma, social and personal life of Pakistani students is quite different than those who were living in other countries. आ रहा समझ? ओके, अब ये हम जो पैराग्राफ लिख देंगे तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा, एंड हो जाएगा. मुश्किल है, टाइम लगेगा. अच्छा, इंट्रोडक्शन लिखने से पहले कम से कम अपने पास 25-30 आर्टिकल्स हम डाउनलोड करके रख लेंगे. अच्छा, फिर आप लोग ये सोचेंगे हम इतने आर्टिकल पढ़ेंगे कैसे, है ना एक मसला, उसकी भी टेक्निक सोचिए. आपने आर्टिकल के टाइटल से देखा और ये हमारे टॉपिक से मिलता जुलता है, ऐसे ही आपने उसको डाउनलोड कर लिया. फिर आप पढ़ेंगे उसका एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि आर्टिकल जो है, ये स्टडी जो है,
ये किस लेवल के स्टूडेंट्स पे हुई है, कितने लोगों से पूछा गया है, क्वालिटेटिव थी क्वांटिटेटिव थी, और एट टाइम्स की फाइंडिंग्स भी उन्होंने दी होती हैं आपके 2-3 महीने में होता है। अच्छा, अगर तो आपको ये सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट से ही समझ आ जाता है और आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद यानी आप मेंशन कर दें, आप लिखने लगे हैं तो आपको पता चल गया अच्छा ये स्टडी हुई थी न्यूयॉर्क में, ठीक है, तो आप लिखेंगे इन अ स्टडी, ठीक है, कंडक्टेड इन न्यूयॉर्क इन इन न्यूयॉर्क इट वॉज एक्सप्लोर्ड दैट द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हु हैव बीन स्टडिंग इन सेमेस्टर सिस्टम हैव एक्सपीरियंस्ड दीज एंड दीज एंड दीज रीजंस ऑफ फेलियर, ऐसे ही। अच्छा, अब आपने आपको कुछ एब्स्ट्रैक्ट से मिल गए आर्टिकल पढ़ने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट पढ़े और बेटा जंप टू फाइंडिंग्स और कंक्लूजन। आर्टिकल के अंदर फाइंडिंग्स और कंक्लूजन का अलग सेक्शन होता है, ठीक, तो आप उस पर चले जाए। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट में वो रीजंस क्लियरली डिफाइंड नहीं मिली तो आपको फाइंडिंग्स में मिल जाएंगी, और आपको उस आर्टिकल को अपने थीसिस में साइट करना, उसको बताना कि ये कुछ हुआ है आसान हो जाए। मुश्किल है, आसान है, आसान है। अच्छा, एक और काम हम कर सकते हैं, हमें एक आर्टिकल मिला बहुत अच्छा लिखा है, ऐसे ही उसने उसका इंट्रोडक्शन भी अच्छा लिखा है, लिटरेचर रिव्यू भी लिखा है, उसकी एंड में होगी रेफरेंस लिस्ट, उस रेफरेंस लिस्ट से उठा के अगर हमने वही आर्टिकल, जो मैं लगता है यार अगर इस बंदे ने इस आर्टिकल को साइट किया हो सकता है इसमें बहुत अच्छी डिटेल हो, मैं ये भी डाउनलोड करती हूँ, अगर हमने वो डाउनलोड करना है तो हमने क्या करना है, रेफरेंस लिस्ट में से सिर्फ आर्टिकल का टाइटल उठाना, क्या उठाना, और टाइटल कहाँ से स्टार्ट होता है, ईयर के बाद स्टार्ट होता है, जर्नल नेम से पहले होता है, ठीक है, और रेफरेंस के अंदर उससे पहले फुल स्टॉप होता है तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइटल है, उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे, गूगल स्कॉलर पर डालेंगे, अगर उसका पीडीएफ अवेलेबल है तो हम उसको आराम से डाउनलोड करेंगे। अच्छा, बहुत से आर्टिकल ऐसे होते हैं बेटे जिनके पीडीएफ डाउनलोडेबल नहीं होते लेकिन स्टडीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हम क्या करेंगे उनके लिए, हम उनके वहीं से खोल के एब्स्ट्रैक्ट तो पढ़ सकते हैं, अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट से सारी डिटेल समझ आ रही है तो तब भी हम उसको साइट कर देंगे। हमें समझ आ गया इंट्रोडक्शन लिखना, कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं है, अब अगली प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ जाइए, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में करो, चलें।